हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं राहुल जेकर और ये मेरी वाइफ निशा, स्वागत करते हैं आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जेकर लव स्टोरी पे। तो आज का टॉपिक है हमारा कि निशा का तबीयत कैसे क्या हुआ जिसके कारण हो गया ख़राब, ताकि आप लोग भी अवेयर रहें इन चीज़ों से। अगर जो आप भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के भागते हैं लव मैरिज करने और उसका तबीयत हो जाता है एकाएक ख़राब, तो क्या करना चाहिए पहले से ही, ताकि तबीयत वगैरह मतलब ए टू जेड सही हो, इसके साथ कुछ भी ऐसा कुछ गलत ना हो पाए, है कि नहीं सर? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइज आप लोग में से भी बहुत कोई होंगे जो कि लव मैरिज करना चाहते होंगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी बॉयफ्रेंड के साथ, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि लव मैरिज कोई पाप नहीं है। ऐसा संविधान में लिख दिया गया कि हर एक कपल को मतलब हर एक लड़का लड़की को बालिग हो जाने के पास उसका खुद का अधिकार है कि वो अपना मनपसंद जीवन साथी चुन सकता है। लव मैरिज हर कोई नहीं कर पाता, जिसके पास हिम्मत होता है करने का वही कर पाता। हाँ, तो आप ज़रूर, आप में हिम्मत है गाइज, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में दम है, आप कर सकते हो लव मैरिज। डरिए मत, डर के आगे जीत है। हम भी बहुत डरते थे, है कि नहीं? लेकिन आज देखिए हम लोगों का जीवन सक्सेसफुल हो पाया, जो चाहते थे वो किए, इससे प्यार करते थे इससे हमने शादी कर लिया। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ है। कल से फेस्टिवल की थी ना, आप पिछले ब्लॉग में देखे ही होंगे, मैंने सुबह में ही डाला था कल कि इन्होंने महाशिवरात्रि किया था। तो थोड़ा सा इस समय रहे वीक हो गई और थोड़ा भी दुलार में ज़्यादा है कि एक दिन तक ये भूखी हुई रही मेरे लिए, बल्कि मैं भी इसके साथ भूखा हुआ था, इसे पता ही नहीं था। पता अब चल गया लेकिन। हाँ, लेकिन अब चल गया। इन्होंने मुझे भी खरना वरना करवाया, जो भी होता है। सिर्फ मैं पूजा नहीं किया हूँ जाकर के वहाँ, क्योंकि वहाँ लेडीज लोग का भीड़ बहुत ज़्यादा था, प्लस मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था इसलिए। तो हम दोनों तो दिल्ली में रहते थे, तो उधर जो है बहुत ज़्यादा ऑयली फूड मिलता था और इसे मार्केट का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, इतना ज़्यादा कि मत पूछिए। इसको मोमोज बर्गर और मैंचूरियन, मतलब ये कुछ कुछ ऐसा ऐसा आइटम है जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है कि नहीं निशा जी? तो ये उन चीज़ों को खाने का एडिक्शन था इसके, इसको मतलब समझ रहे कि बहुत खाती थी वो चीज़ों। तो इसी तरह से ये एक दो तीन महीना तक ये लगातार खाई, बिल्कुल दिल्ली का मार्केट का ही खाना। ये रूम मतलब घर का खाना कम और बाज़ार का खाना ये ज़्यादा खाती थी। जैसा कि इसका जॉब लग गया था तो इसको मैं डेली के हिसाब से 100 रुपया देता था कि जाओ तुम उस 100 रुपया में अपना, तुम मतलब जैसे कुछ भी 100 रुपया सिर्फ रखने के लिए देता था डेली कि रखो, मतलब कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ खाना है 150 का, और क्या मतलब क्या खाओगी और कुछ है। लेकिन ये उस 100 रुपया में डेली 80 रुपये 60 रुपये मतलब खा ही जाती थी। ये सब फास्ट फूड वगैरह में पैसा ये खूब उड़ाई है, समय रख नहीं। 3 महीना तक ये लगातार खाई, तो इसका एक है, अरे मैं खाता था पर मैं लिमिट में खाता था। मेरा तो मॉल में ही उतना बढ़िया खाना मिलता था, उसी तरह ये मतलब मार्केट का खाना खाने लगी, जिसके कारण इसके तबीयत पे साइड इफेक्ट इस पे होने लगा, इसके बॉडी पे, है कि नहीं छोटी? तो ऐसा ही हुआ कि निशा का हो गया तबीयत खराब। क्यों हुआ था तुम्हारा तबीयत खराब यार? ऑयली फूड खा लिए थे ना, तो हो गया था, कमजोरी हो गया था। हाँ, इसको वीकनेस का ही शिकार हो गई थी, जिसे देख करके तो लगती नहीं, बट हाल ही में डॉक्टर भी आया 8-10 दिन पहले, उन्होंने भी यही बताया कि ये वीकनेस का शिकार है। तो बताओ कैसे तुम बेहोश हो गई थी? मतलब उस दिन ये रात में कुछ नहीं बनाई है खाना आई में, तो मैं 10 से 12 बजे तक, मतलब 10-11 साढ़े 12, मतलब 12:30 नहीं फिर भी 12 के पहले आ जाता था। तो उसी तरह मैं आया एक दिन, तो ये खाना वाना नहीं बनाई थी, नहीं खाई थी घर पे बना करके, और मैं तो खा करके ही आता था, तो मैं सो गया। मुझे नहीं पता था कि इसको तबीयत ख़राब है। फिर ये अगले दिन गई अपना ड्यूटी पे, तो मुझे फ़ोन करके बताई कि मेरा तबीयत ख़राब लग रहा है राहुल। तो मैंने बोला ठीक है, अगर जो ऐसा बात है तो तुम घर चलाओ। तो ये नहीं आए उस दिन भी, ये मतलब ड्यूटी कर ली उसके बाद ये घर चलाई रात में, अगला दिन नहीं गई, हो गया इसका तबीयत ख़राब। तो उसके बाद ये उस दिन घर में ही रही और मैं भी रह गया उस दिन घर में, क्योंकि मंडे को मेरा छुट्टी था मॉल वगैरह में, फ्राइडे टू सैटरडे बिल्कुल जॉब करना है। ना जहाँ रूम था हम लोग 4th फ्लोर पर रह रहे थे, तो मेरा जब तबीयत ख़राब हो गया रात में, तो हम लोग उतरने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। गाइस इसका तबीयत हो गया था ख़राब, तो डॉक्टर वॉक्टर के पास तो ये नहीं गई थी, उतरने में इसको दिक्कत होता था, 4th फ्लोर पे थे हम लोग, तो इसके लिए मैं दवाई लाया डॉक्टर को कह करके। तो उन्होंने दिया दवाई कुछ, जो कि मैंने इसे खिलाया। फिर ये बोली उसी दिन शाम में कि जो आज नहीं बनाऊँगी मैं खाना, जो तुम जाओ तुम ले आओ सब्ज़ी खरीद करके और रोटी भी वहीं से ले लेना। तो गाइस मैं गया मार्केट रोटी सब्ज़ी ख़रीदने के लिए, तो मैं लाया ख़रीद करके, और उतने ही देर में गाइस मतलब रोटी सब्जी मैं आया ख़रीद के और इसे देखा तो ये बेहोश पड़ी थी।
ये अपने रूम में थी बेहोश, बिल्कुल इसे होश ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा ये मजाक कर रही है। मैंने उठाने की बहुत कोशिश किया, उठ ही नहीं रही थी। मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगा डर से कि क्या हो गया इसको। मतलब बहुत ज़्यादा मैं डर गया इसको। मैं बहुत कोशिश किया उठाने पर उठ ही नहीं रही थी। फिर मेरा दिमाग कुछ नहीं काम किया, एकदम समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया था। तो तुम बेहोश कैसे हुई थी ये तुम बताओ, क्योंकि उस टाइम तो मैं था ही नहीं, तो तुम बेहोश कैसे हो गई थी? चक्कर सा आने लगा था। और बोल रही थी कि तुम्हारा आवाज़ नहीं निकल रहा था, है ना? हाँ, तो कमजोरी था ना। तो फिर गाइज मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा था। फिर मैंने एक पड़ोसी को फ़ोन किया जो मेरा बहुत मदद करते थे, अमित भैया उनका नाम था। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, वो आए तुरंत ऊपर आए तो देखे तो इनका तो होश ही नहीं आ रहा था निशा को। उन्होंने भी देख करके डर गया तो किसी तरह इसे उतारे, नीचे ले गए ग्राउंड फ्लोर पे। तुरंत हमने मतलब एक और मेरा पड़ोसी था, उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, पर उन्होंने अपना आया कैब लेकर के, उनके कैब से हम लोग गए इसको लेकर के अस्पताल। तो अस्पताल में ले जाने के बाद इसे दो बोतल पानी चढ़ा तब इसे होश आया और तब इसका आवाज़ निकलने लगा, क्योंकि इसका आवाज़ तक नहीं निकल रहा था। नहीं सर, आवाज़ भी ना नहीं निकल रहा था। तो फिर गाइस उस दिन लगभग 12-1 बज गया था अस्पताल में ही, तब जा कर के जान में जान आया था कि कितना जोड़ इसका हो गया था तबीयत ख़राब गाइस। तो इसलिए अगर जो आप भी मतलब किसी अपनी GF BF किसी के साथ रह रहे हो तो इतना मार्केट का फूड मत खाना गाइस, हम तो एडवाइस करेंगे। क्योंकि जितना बड़ा मैंने दुख को फेस किया ना, इतना डर लगा गाइस कि शायद ज़िंदगी में मुझे कभी ऐसा हुआ होगा, जान निकल गई थी मेरी। तो फिर इसका तो हो गया, तबीयत ठीक हो गया धीरे धीरे, मतलब ये दवा उवाई खिलाने के बाद ये 7-8 दिन में बिल्कुल बढ़िया हो गई। उसी दिन में इसे रात में ले आया था घर, जिस दिन इसको इलाज करा लिया 12-1 बजे तक रहे, लगभग 1:30 मतलब 1:30 बजे के लगभग हम लोग चल आए थे घर। तो उसके बाद तो इसका तबीयत ठीक हुआ, तो ये धीरे धीरे 7-8 दिन में रिकवर हो गई। तो फिर से ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलने लगा हम लोग का, है ही नहीं निशा जी? तो ज़िंदगी तो अच्छा चल रहा था। फिर हो गया मेरा तबीयत ख़राब, और मुझे क्या हो गया, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब कि मैं चल भी नहीं सकता था। ऐसा मुझे डेंजरस प्रॉब्लम हो गया था, इतना बड़ा रोग कि मैं चल फिरने के काबिल भी नहीं था। तो इस बात का चर्चा हम अगले ब्लॉग करेंगे गाइस, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए ताकि आप लोग देख नहीं पाएंगे, स्किप कर देंगे। इसलिए गाइस मेरे तबीयत का चर्चा नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे कि कैसे क्या हुआ मुझे, कैसे हो गया ऐसा प्रॉब्लम कि मैं चल नहीं पा सकता था। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, आशा करता हूँ ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। तो लाइक करना ज़रूर याद रखिएगा गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।